एक तरफ रफा में इजरायली सैनिकों पर हमास आग बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल पर लेबनान का हिजबुल्ला रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से तबाही मचाने में लगा हुआ है। लेकिन जब से इजरायली सेना ने रफा पर हमला किया है, तब से उत्तरी इजरायल बॉर्डर पर हालात और बदतर हो गए हैं। दरअसल हिजबुल्ला अपने इन हमलों से गाजा में हमास को एक सुरक्षा कवच देने में लगा हुआ है, जिससे गाजा के भीतर आईडीएफ की ताकत कमजोर पड़ जाए। और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल पर कई सिलसिलेवार हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने पूर्वी सेक्टर में इजरायली सेना की एक चौकी पर हवाई हमला किया है। यह हमला बेत हिल्लेल में हुआ है, जहां पर 91वीं ब्रिगेड की 403वीं रिजर्व आर्टिलरी बटालियन तैनात थी। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस सैन्य अड्डे पर ड्रोन्स के एक जत्थे से हमला किया है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने जो ड्रोन आईडीएफ पर दागा था, उसे इसराइल का F-16 लड़ाकू जेट इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इस हमले के बाद सुबह 10:35 पर यिफ्ता बैरक में इजरायली सेना का जैसे ही मूवमेंट हुआ और मरकावा टैंक बाहर निकल कर आया, वैसे ही हिजबुल्ला ने उस पर गाइडेड मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे मरकावा टैंक नष्ट हो गया। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पहले तो आईडीएफ के इस ठिकाने को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उस पर एक मिसाइल दाग दी जाती है, जो मरकावा टैंक पर जा गिरती है और इस हमले में एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हिजबुल्ला ने इजरायली कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में आईडीएफ की अल शुमा का साइट पर रॉकेट से हमला किया और इस हमले के बाद रात करीब 10:50 पर हिजबुल्ला मैतुला सेटलमेंट में दो बिल्डिंगों पर उपयुक्त हथियारों से हमला कर देता है। हिजबुल्ला का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल इजरायली सैनिक कर रहे थे। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने दोपहर 12 बजे बिरकट रिशा और अलजिरदा साइट पर भारी बमबारी की है। हिजबुल्ला ने इस दौरान गाइडेड रॉकेट और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से गोले दागते हुए नजर आ रहे हैं और ये गोले सीमा के उस पार आईडीएफ की चौकियों पर गिरते हैं, जिनमें जोरदार धमाका होता है। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने रामीम बेस पर भी इजरायल के जासूसी उपकरणों पर हमला किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिजबुल्ला के गोले कैसे इजरायल के जासूसी उपकरणों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देते हैं।